ड्रीम बिग बॉलीवुड सर ड्रीम बिग है हमारा एंड इसीलिए पिक्चर का नाम ड्रीम बिग है एंड वी जस्ट क्रॉसिंग फिंगर्स कि सब सही जाए एंड दर्शकों को हमारी पिक्चर अच्छी लगे दैट्स व्हाट इट इज Dream Big is going to be an inspirational movie for sure. It's going to be a full-time, a full motivational movie. And youth ko inspire karegi. Aur families ke liye bhi complete movie hai. So really excited. This project is very different from any other project. Matlab ye aisa project hai jo ab tak इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा गया अनटैप अनसीन प्रोजेक्ट किस तरह से अप्रोच किया गया सर आपको डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या कुछ राव थोड़ा बताइए कि सर थोड़ी सी कहानी ये शुरू से बताते हैं एक्चुअली हम लोग मिले कॉमन फ्रेंड्स से एंड ये है बहुत बड़े सेलिब्रिटी है फिटनेस वर्ल्ड में एंड मैं फिटनेस के आजू बाजू भी नहीं हूँ बट यस हम लोग मिले एंड वी क्लिक एंड इनकी कहानी जब सुनी मैंने तो मैंने इनको ऑफर किया कि पिक्चर बनानी चाहिए आपकी बायोपिक सो ही अग्रीड इमिजिएटली बट उन्होंने पूछा कि हीरो कौन तो मैंने बोला ऑब्वियसली आप क्योंकि ही इज़ फिट एंड गुड लुकिंग भी है एंड ये 2019 की बात है एंड देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम फॉर एक्टिंग एक्शन डांसिंग एंड जब वो पूरे रेडी हुए दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द फिल्म जी फिल्म में क्या आप दिखा रहे हैं आई बिलीव एक काम एक जगह करो डायरेक्शन करो या एक्टिंग करो सो इसमें खाली डायरेक्शन है वेयर आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन डायरेक्शन क्योंकि एक्टिंग होगा तो पूरा माइंड भटक जाता है सो यस ओनली डायरेक्शन फॉर दिस चालू है या सर सॉरी प्रोडक्शन सर हम फ्लोर पे जा चुके हैं हमारी 70% पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरा लास्ट गेट बाकी है जो यूएस में होगा दिसंबर में हम शूट कर रहे हैं फॉर क्रिसमस बिकॉज वो क्रिसमस लाइटिंग एंड वो सब हमारा है एंड यस बाय जनवरी आई शुड बी डन एंड मार्च में इंशाल्लाह रिलीज करेंगे सर वी हैव ऋतुराज सिंह जी सुपर्णा मारवा जी राकेश बेदी जी आर्य बब्बर एंड दैट्स अस आकाश एंड वी आर जस्ट या यस देर आर सॉन्ग्स देर आर मोटिवेशनल सॉन्ग्स ये फिल्म इज फिल्म में बहुत बड़ा विलेन है जो विलेन है इनका प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है जो हर्डल्स है दैट्स द विलन ऑफ द फिल्म उनकी बायोपिक है जो मिडिल क्लास एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ तक कैसे आए हैं ही इज अ मल्टी मिलियनेयर टुडे एंड हाउ डिड ही बिकम अ मल्टी मिलियनेयर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज हिज स्टोरी इनकी लाइफ में बहुत रोलर कोस्टर्स है इनको रातों रात यूएसए भेज दिया गया क्यों इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिग्रेट है रिग्रेट नहीं कहूँगा मगर एक जख्म है वो क्या है एंड उनकी बाकी ज़िंदगी सो ये पूरा कैप्चर किया हमने 2 घंटे में जितना कोशिश जितना कर सकते थे उतना हमने कैप्चर किया सर स्क्रीन प्ले मेरा है एंड श्रीधर जी ने बहुत हेल्प किया हुआ है एंड राइटिंग ऑब्वियसली इट्स हिज बायोपिक सो ही इज़ रिटन इट एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स एंड सर राइट नाउ वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन दैट बट यस आई वुड लव अ थिएटरिकल रिलीज थिएटर थोड़ा बेटर हो जाए तो वी विल श्योरली गो फॉर अ थिएटर रिलीज बट यस ओटीटी इज ऑलवेज देयर डेब्यू मूवी है तो वॉज फर्स्ट लेकिन कैमरे की मुझे कैमरे से मेरी दोस्ती पिछले 10 साल से ज़्यादा है क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता आ रहा हूँ तो एक नया एक्सपीरियंस बिल्कुल नया रास्ता और बिल्कुल नई चीज़ है क्योंकि एक्टर के पास अकेली एक्टिंग नहीं है कम्प्लीट पैकेज है जो एक्शन है उसके डांस है परफॉर्मेंस है एक्सप्रेशन है लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं सीख रहा हूँ सीखा है सीखता रहूँगा इनसे और
मूवी का जो शूटिंग अभी पंजाब में हुई थी, अमृतसर, चंडीगढ़ मोहाली और बॉम्बे में हुआ, स्ट्रगल था हमारा, बॉम्बे शूट किया, कैलिफोर्निया में शूट होगा। तो अभी तक आई रियली लव इट ऑनेस्टली, मुझे आई एम मोर एक्साइटेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस फ्रॉम फर्स्ट टाइम, नो आई मोस्टली गॉट पम्प्ड अप। आई एम रियली, अगर इफ यू लव समथिंग देन नो वन कैन स्टॉप यू, सो आई थिंक आई एम लविंग इट एंड आई एम डूइंग थिंग्स बेटर। एंड बहुत अच्छा लगा इस पिक्चर के अंदर, मूवी के अंदर, बाकी आप लोग देखेंगे बताएंगे एंड यू गाइस विल डेफिनेटली। We have a lot of action सर, जैसे इतनी सारी खिलाड़ी बनाई है तो अक्षय भैया से थोड़ा तो इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड यस वी हैव अ लॉट ऑफ एक्शन, इनकी बॉडी से ही पता चल जाता है कि एक्शन होना ही है। एंड वी हैव गुड एक्शन, आज के टाइम का एक्शन है, सो वी हैव ट्राइड अ बेस्ट। मैं नहीं कहूँगा कि खिलाड़ी का एक्शन है, बट यह खिलाड़ी से कम एक्शन नहीं होगा। वी विल ट्राई, वी हैव ट्राइड अ बेस्ट। एक्शन, एंटरटेनमेंट, सीरियस स्ट्रगल, जो फेलियर के दौरान जो उस फेज से निकलते हैं, उस वेरी कनेक्टिंग मूवी एंड सक्सेस। मूवी के अंदर चार पांच डिफरेंट फेजेस हैं, सो जो इस जिससे मूवी हर तरह के कैटेगरीज को टैप करती है। फिटनेस के टिप्स देखिए, फिटनेस एक इंसान का हिस्सा है, मतलब ये नेसेसरी है हर एक के लिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा है या 90 साल का बुजुर्ग। फिट हेल्थ एंड फिटनेस इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो अगर आप सही खाएंगे तो सही रहेंगे, अगर आप गलत खाएंगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या सर्कमस्टांस फेस करने पड़ेंगे। तो टिप्स ये है कि आप जो भी खा रहे हैं, अगर सही क्वालिटी अपनी बॉडी को देंगे, सही न्यूट्रिएंट्स सही देंगे, तो आपकी बॉडी सही परफॉर्म करेगी। जिस तरह से सही तेल डालते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो आपका इंजन वैसे परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप उस पर घटिया तेल डालेंगे तो वो इंजन की लाइफ कम हो जाती है। तो इंसान का जो इंजन है वो दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे एक्सपेंसिव इंजन है, उससे बड़ा फरारी का इंजन भी नहीं है, आज तक उससे बड़ा इंजन बना नहीं है दुनिया में, है ही नहीं। अगर किसी के पास नाम होगा तो बताना। ह्यूमन मशीनरी इज़ द बिगेस्ट मशीनरी एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनरी इन द वर्ल्ड। उसके अंदर किस तरह का आप तेल डलवाते हो, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, कितनी क्वालिटी उसकी कैसी है, वही आपकी इस इंजन की लाइफ उस पर है। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर हम इतना गलत खा रहे हैं कि हम 50-60 तक ही बीमार हैं और हमारी लाइफ इससे आगे नहीं जा रही, और हम 100 साल की ज़िंदगी की बात करते हैं, वो बहुत कम हो चुकी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो अपने ध्यान रखें, मेरा टिप यही है कि आप सही खाएँ एंड दैट विल हेल्प योर बॉडी टू लास्ट लॉन्ग। क्या कहना चाहिए आज के I've come across many directors, many producers, but I think one person who's very, very genuine was Mr. Aryaman. Unke saath kaam karna was, I think, meko pata nahi tha that it would be so good. It was a dream. And the best part of this movie was ki hum log enact nahi kar rahe the, we were reliving the moments of Guruman. जो उन्होंने उनके लॉसेस, गेन्स, बचपन एंड ऑल्सो आफ्टर लूजिंग हिम इन द मूवी एंड ऑल दैट, इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। वी वर जस्ट रीलिविंग दोज मोमेंट्स एंड इट वॉज स्मूथ। एक्सेलेंट प्रोड्यूसर एंड एक्सेलेंट डायरेक्टर एंड वन मोर थिंग, एक्सेलेंट को आर्टिस्ट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये आपका बड़ा ओपिनियन है, आई एग्री, जो मैम ने बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं काफ़ी टाइम से, आप लोग तो जानते ही हैं, एक्टिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जहाँ आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट और एक अच्छे को एक्टर्स, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा कैमरामैन मिले, तो मतलब सोने पे सुहागे, यू फील सो मच बेटर अबाउट योर वर्क। आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कलाकार तो हम हैं लेकिन वो उस वक्त जो फीलिंग्स आ जाती हैं आप खुद रियलाइज़ नहीं करते कि आप किस तरीके से इमोट कर रहे हो। रोना है तो आंसू अपने आप आ जाते हैं, हंसना है तो हंसी अपने आप आ जाती है, यू नो। तो ये कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ये एक फीलिंग वाली बात होती है, और बेसिकली अभिनेताओं का वही है कि हम लोग जो फील करते हैं हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं, और आप लोग उसे पसंद करें तो यही तो हम चाहते हैं। एंड यस, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद हिम, और लवली बॉय, इतना प्यारा इंसान, मतलब इतना कुछ इन्होंने किया है अपनी ज़िंदगी में सिंगल हैंडली, फिर भी इनमें मतलब गर्व है
लेकिन वो यू नो ही इज नॉट arrogant. He's very simple, very nice and a good actor. In fact, हम दोनों तो उनसे कहते थे कि यार आप चोरी छिपे कहीं एक्टिंग सीख के आए. ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज लाइक यू मस्ट हैव ऑल्सो, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनके पहला रोल था और मुझे लगा कि हाँ ये एक्टर बन सकते हैं या ये नहीं बन सकते, लेकिन वो कहने वाली बात नहीं है. बट इट वॉज वेरी इंजॉयबल. आर्यमन इज सच अ लवली मैन, सच अ लवली मैन एंड अ वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड टोटल प्लेजर, मज़ा आ गया. लग रहा है yes, yes, बहुत सालों के बाद. वी जस्ट वांट टू विश गुरु एंड द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट. यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है एंड पोस्टर्स लुकिंग अमेजिंग. ये तो शुरुआत है, देयर इज लॉट्स टू हैपन. वी आर स्टार्टिंग द शूट इन द US नेक्स्ट मंथ, विल बी द सेकंड शेड्यूल. सो दैट्स ऑल आई कैन टॉक अबाउट राइट नाउ. First schedule has been completed in Punjab and they had a few days in Bombay and now the next schedule will be in the US which I'll be going for. तो आर्यमन तो इज लाइक फैमिली. आई हैव नोन हिम फॉर गॉड नोज हाउ मेनी इयर्स एंड आई एम सो ग्लैड कि ये फिल्म इतनी सारी बन चुकी है और बहुत जल्दी पर्दे पर आ जाएगी. एंड I really wish him all the best and the team and the unit. And I'm aajkal biopics ka bahut ek trend chal raha hai, so it's great because it's going to be something trendy and it's about success. So I also wish Aryaman all the success in life and you all the success in life. So what's your take on this sir? Nayi film aa rahi hai, dream big sir ke liye kya kuch wishes rahegi sir aapki? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे. आप मेरा हो गया. देखिए मैं ये बहुत पर्सनल है हमारे लिए, फैमिली की तरह है, तो मेरी तरफ से तो दुआएं हैं कि बहुत बढ़िया हो, बहुत बड़ी हिट हो जाए. और मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन जो देख रहा हूँ बड़ा अच्छा लगा कि प्रॉमिस बहुत बड़ी है एंड आई एम श्योर दे फुलफिल इट. आई विश देम ऑल द बेस्ट. नहीं, मेरे को ये पोस्टर बहुत अच्छा लगा है. एक्चुअली ये एक नया काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग हो रही है बिकॉज अभी तक जो अचीवर्स थे वो अलग अलग एरियाज में आते थे, बट अभी यूट्यूबर्स एंड कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैव बिकम रियली बिग एंड उनकी स्टोरी बताई जा रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा अदर वंस अगेन इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल या पे काफ़ी अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट है. ये बायोपिक है प्लेड बाय द पर्सन जिनकी लाइफ के ऊपर बन रही है. It's very unconventional and the fact that he's a successful content creator, YouTuber and physical trainer and everything, a new kind of life and a new kind of story. So I think it's the right, it's a very interesting choice to cast the person just gave up a life on me. And I think he's got enough, a lot of following, you know, and with him on the screen it's going to really help the project. Sir, kya abhi dena chahenge? Main kya karu, मैं इनका फ़ैन हूँ, इनका यूट्यूब चैनल मैं देखता हूँ, काफ़ी इंस्पायर होता हूँ मैं. सो ऑल आई वांट टू से इज कीप इंस्पायरिंग पीपल, कीप वर्किंग हार्ड, राइट.